शायरी और पढ़ंत नाहिद वहीद कुरैशी, नज़्म साम्राज्य का भूत। साम्राज्य का भूत कब किसके सर चढ़ता है पता नहीं लगता, कौन कहाँ इसका शिकार हुआ। साम्राज्य का भूत जब जिसके सर चढ़ता है पता नहीं लगता, कौन कब कहाँ इसका शिकार हो चुका। लगता तो यह है कि आसेब की तरह अचानक सराहियत करता है। सियाने भी भूत परीत आसेब का जिक्र तो करते हैं, लेकिन साम्राज्य भूत का जिक्र करने से ये सियाने भी कतराते हैं। इस कदर असर पजीरी रखता है, शायद उन पर भी नफूस पजीर हो चुका होता है इतना ज़ोरदार। कहते हैं साम्राज्य का भूत ही असल भूत है, जिसमें दिमागी खलल का भी पता नहीं चलता। के नफ्सियाती कहकर औरों को इस आसेब से बचाया जा सके, और आसेब तो झाड़ फूंक उतार दो, इसका क्या इलाज। साम्राज्य भूत है ही कुछ इतना ताकतवर, अपने शिकार खुद चुनता है। जब जिसके सर चढ़ता है कुछ अरसे अपने शिकार पर नज़र रखता है, पसंद करता है, फिर बास सूरतों में आम आसेब की तरह मोहब्बत का इजहार करने लगता है। मुझे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, वगैरह वगैरह। मैंने साम्राज्य भूत को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। ये नज़र भी उन्हीं को आता है जो उसे पसंद करें, इसीलिए पता नहीं वो क्या कहता होगा। बस वगैरह वगैरह लिख दिया। तुम मुझसे बेहतर जानते हो वो भूत और क्या क्या कहता है। और आसेबों की मानिन ये भी मनपसंद जिस्म में सराहियत कर जाता है। सुना है, देखा भी है, वो जिस्म खूब फलता फूलता है। दुनिया की तमाम रंगीनियाँ समेटे साम्राज्य भूत और मनपसंद जिस्म शीरो शकर खूब मज़े से दुनियावी लज्जतें समेटते हैं। रंग चढ़ता है एक दूसरे का, पहले माहौल बदला बदला लगता है, फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। रख रखाव, तमीज़, तहजीब, ज़बान, कलाम, फिर तालीम, तरबियत, फिर निज़ाम भी, सब कुछ वो जिस्म तक। वो जिस्म भी इसी भूत की ज़बान बोलता है। कभी अपने पराए सब अच्छे लगते हैं, कभी सब बला। वो अच्छा वो, और मैं तो सबसे अच्छा। खुद एतमादी से पुर इत्मीनान असरात ज़ाहिर होते हैं। सभी कुछ अच्छा लगता है, बुरा सिर्फ बग़ैर साम्राज्य भूत चढ़ा आदमी। वो आदमी सा लगता है जैसे इंसान होने से रह गया हो, या भगवान होने से रह गया हो, या कुछ होने से रह गया हो, बस आदमी हो गया आम सा। आदमी आदमी को मुतासिर करता है। यहाँ भी मुसद्दिक फितरती उसूल से आदमी आदमी को शदीद तरीन मुतासिर करने लगता है। मुतासिरा आदमी खुद साम्राज्य भूत की तरफ दौड़ लगाने लगता है, मन पसंद छांटता फिरता है, आदमी आदमी को असरास से बांटता फिरता है। फिर कभी भूत आदमी की तरफ चढ़ने पकड़ने भागने लगता है, कभी आदमी साम्राज्य भूत की तरफ, कभी भूत कभी आदमी। यूं समझो तो साम्राज्य भूत चढ़ने का जादू जैसे सर चढ़कर बोलने लगता है। कुछ तो उसे खुदावन, कुछ खुदा की देन समझते हैं, कुछ साम्राज्य भूत को जरिया निजात समझते हुए उसके नाम के दिए रोशन करने लगते हैं। यानी साम्राज्य भूत मुकम्मल सराहियत कर चुका होता है। कभी कभी साम्राज्य भूत इक्का तुक्का आदमी के सर चढ़ता है, वो ही काफ़ी रहता है। नफूस पजीरी के लिए काफ़ी, इतना असर रखता है ये साम्राज्य भूत। जिस पर असरअंदाज होता है वो उसी भूत की साम्राज्य ज़बान में बात करने लगता है। कभी साम्राज्य भूत मनपसंद आदमी के रूप में खुद भी बोल पड़ता है, है कोई जो हमसे ले, हम हैं सबसे आला। है कोई जो हमसे ले, हम हैं सबसे आला। है कोई जो हमसे ले, तू क्या है तीसरी दुनिया के गहरी रंगत वाले,
तेरी औकात क्या है? तुझे अभी तक दुनिया में रहने का ढंग नहीं आया। आदमी है तू या गरीब आदमी का सिर्फ भूत है तू? सामने बरसों का समाजी भूत का रंग चढ़ा, आदमी का गरीब भूत ही है जिसे साम्राज्य भूत चढ़े चिमट चुके थे। फिर यूं आदमी का खात्मा होता है, फिर साम्राज्य भूत चढ़े रंग में रंगे साम्राज्य भूत को आका मानते हुए उसकी आवाज़ पे यकजहती का निशान इंतहाई बुर्दबारी से बाअदब इंतहाई नफासत के साथ साम्राज्य भूत आका को खराज तहसीन पेश करते हैं। उसकी कामयाबी पे तालियों की गूंज में साम्राज्य भूत का दरबार लग जाता है।